दोस्तों, एक दर्शक ने हमसे सवाल किया था कि आखिर सनी साढ़े साथी या फिर सनी ढैया से बचने के लिए आप हमें कोई उपाय बता दें। सो दोस्तों, आज मैं आपको उसी का जवाब दूंगी कि आखिर सनी की साढ़े साथी या फिर सनी की ढैया अगर आप पर चल रही है तो आप उस प्रभाव को कम करने के लिए आपको कौन सा उपाय करनी है। दोस्तों, ये तो सबको पता ही है कि यदि सनी देव क्रोधित हो जाते हैं तो अच्छे अच्छों की हालत खराब हो ही जाती है। हालांकि सनी की कृपा पाने के लिए बहुत से उपाय हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो बेहद ही खास माना जाता है। और दोस्तों, वो उपाय आपको त्रयोदशी के दिन करना है। दोस्तों, न्याय के देवता कहे जाने वाले सनी देव अच्छे कर्म करने वालों को शुभ फल प्रदान करते हैं, तो वहीं अन्याय करने वालों को दंड भी देते हैं। यदि शनि देव क्रोधित हो जाएं तो अच्छे अच्छों की हालत खराब होने में देर भी नहीं लगती है। दोस्तों, अगर त्रयोदशी की बात करें तो ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर त्रयोदशी के दिन हमें वो उपाय तो करना ही है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आखिर त्रयोदशी का दिन पड़ने कब वाला है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हर माह में दो बार शुक्ल और कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी की तिथि आती है और उस तिथि को हम प्रदोष व्रत रखने की तिथि भी कहते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजन करने से शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाती है। शनि त्रयोदशी में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी उपाय मैं बताऊंगी वो उपाय आपको शनिवार के दिन पड़ने वाला त्रयोदशी के दिन ही आपको ये करना है। वैसे तो दोस्तों, देखा जाए तो प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन जो भी व्रत रखते हैं उन्हें कुछ नियम भी माननी पड़ती है। जैसे कि जो प्रदोष व्रत होता है वो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही प्रदोष व्रत कर लेंगे तो शनि की साढ़े साथी या फिर जो शनि की ढैया है वो हम पर से खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रदोष व्रत की खुद के कुछ अलग नियम हैं। मानते हैं कि हम शनि की साढ़े साथी को खत्म करने के लिए त्रयोदशी के दिन व्रत रखेंगे, लेकिन रखेंगे तो हम प्रदोष व्रत ही ना, तो प्रदोष व्रत के अलग नियम होते हैं। जैसे कि आप एक बार ही प्रदोष व्रत करके आप उसे छोड़ नहीं सकते, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आपको करना है तो आपको कम से कम 11 प्रदोष व्रत कंप्लीट करना है। दोस्तों, वैसे तो प्रदोष व्रत की और भी कई नियम हैं जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपनी चैनल में। अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पर प्रदोष व्रत के रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी। जैसे नियम हो गया, आप कैसे पूजन करना है और क्या खा सकते हो आप और किस तरीके से आपको कब पूजा करनी है, ये सब के बारे में मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम शनिवार के दिन पड़ने वाला त्रयोदशी तिथि की पूजन के विधि की बात करें तो ये काफ़ी इजी है। जैसे बाकियों के पूजन की विधियां होती है बिल्कुल वैसे ही करनी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रदोष काल में ही आपको पूजन करनी है, यानी कि सूर्यास्त के एक घंटे के पहले आपको को पूजन करना होता है, इसलिए इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है, जिसमें कि आपको प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करनी है। उसके बाद शिव जी को बेलपत्र, गंगा जल, धतुरा, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करनी है। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुने। अगर प्रदोष व्रत की कथाओं के बारे में बात की जाए तो आपको वो भी हमारे प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगी। और दोस्तों, कथा सुनने के बाद आरती करके भोग लगानी चाहिए। वही दोस्तों, अगर हम बात करें भोग की तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ठीक से ये नहीं पता होता है कि आखिर भोग कैसे लगाया जाए ताकि भगवान को हमारा भोग लग सके। जी दोस्तों, भगवान को भोग लगाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर रखा है। सो अगर आपको जाननी है कि किस तरीके से भोग लगाया जाता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, और आपको उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, या फिर आप अगर कमेंट भी कर देंगे तो वहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूंगी उस वीडियो की लिंक। ओके दोस्तों, फिर पूजा करने के बाद शनि देव को सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं और साथ ही शनि स्त्रोत्र, शनि चालीसा और शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है और शनि ढैया या फिर जो शनि की साढ़े साथी का प्रभाव होता है उससे हमें मुक्ति मिलती है।
दोस्तों, अगर हम सनी साढ़े साथी या फिर सनी ढैया से मुक्ति के लिए उपाय की बात करें, तो यदि किसी जातक पर सनी की साढ़े साथी या फिर सनी की ढैया चल रही है, तो सनी त्रयोदशी के दिन यानी कि जो त्रयोदशी शनिवार के दिन पड़ती है, उस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें और वहां सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद शनि देव के मंत्र ओम शंग शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि परेशान नहीं करते हैं और जातक पर से शनि साढ़े साथी या फिर शनि ढैया का प्रभाव उतना नहीं रहता है। सो दोस्तों, ये तो एक उपाय था कि आप कैसे शनि की साढ़े साथी या फिर शनि की ढैया से एक उपाय करके आप कैसे मुक्त हो सकते हैं या फिर उसके प्रभाव को कैसे आप कम कर सकते हैं। सो आई होप कि आपके लिए ये जानकारी हेल्पफुल होगी। और दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही शनि की साढ़े साथी या फिर शनि की ढैया के रिलेटेड कोई भी जानकारियों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि 2021 से लेकर 2031 तक किसी ना किसी राशि पर शनि की साढ़े साथी लगने ही वाली है। सो कोई भी जानकारी आपसे छूट ना सके, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ कुछ नई जानकारियों के साथ, शनि साढ़े साथी या फिर शनि ढैया के रिलेटेड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।